हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी आप देख सकते हैं मैं अभी नदी के किनारे, जिसको बूढ़ी गंडक भी कहते हैं, और अभी बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है। आप देखिए, ये नदी दूर दूर तक फैली हुई है और ये नदी मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है और इस नदी के ऊपरी स्थल के कारण इसको नारायणी भी कहते हैं। अभी इसका पानी बहुत ही ऊपर आ चुका है क्योंकि अभी बहुत एक महीने के अराउंड बरसात हो रही थी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका स्तर बहुत ही ऊपर आ चुका है। सो मैं आपको अभी और दिखाता हूँ इस नदी के बारे में और बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है। ये बारहमासी नदी है, कि ये बारह मास मीन्स ये बारह महीने तक नहीं सूखती और इसमें हमेशा पानी रहता है और इसी तरह से इसमें जल प्रभाव रहता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस नदी के तट पर यह आपको चलने का पाथवे है, यहाँ पर आप सैर कर सकते हो और यहाँ पर बहुत सारे पेड़। अब मेरे पीछे देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे इस तट को। तो यहाँ पर आप ये अभी तो इसमें पानी कुछ कम है, बाढ़ का मौसम आता है बिहार में। इस नदी का पानी जब ये बाढ़ आता है मौसम में, तो नदी का पानी ये ऊपर तक आ सकता है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। उत्तर बिहार की ये नदी, जिसका स्रोत सोमेश्वर पर्वत है, और ये उत्तर बिहार की सबसे विशाल नदी है और ये ऐसा कह सकते हैं कि सबसे बड़ी नदी है जो अन्य अन्य शहरों में से होकर गुजरती है, अलग अलग ज़िलों से होकर गुजरती है, जिसमें आपको ये कवर करती है मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया। तो इन सबको ये नदी जो है वो कवर करती है, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं इस नदी की खूबसूरती। के पानी को घरेलू उपयोग के लिए यूज़ किया जाता है। जब ये इसका स्तर बढ़ जाता है पानी का, तो ये विनाशक रूप ले लेती है और यहाँ पर आपको बहुत सारे घर डूब जाते हैं। सो मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। देखिए, हवा चल रही है और ये मेरा पैर अभी कीचड़ में आ गया है। यहाँ पे आपको कुछ बच्चे भी नहाते हुए दिख जाएंगे। इसको कहते हैं सीढ़ी घाट। यहाँ पे इसका स्तर बहुत ही नीचे रहता है, बट अभी बारिश के मौसम की वजह से इसका स्तर बढ़ गया है। आइए आपको दिखाते हैं पानी। चलो, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसको कुछ इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और सो ये जब इन्हेंस हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसके आगे की चीज़ें। ये देखिए लहरता हुआ पानी। आइए आपको दिखाते हैं। आपको यहाँ से वो पुल दिख रहा होगा स्ट्रेट, मैं कोशिश करूँगा कि उसकी पुल के पास दिखाऊँ। ये पुल के पुल अभी आपको दिख रहा होगा कि पानी इसके ऊपर बहुत ऊपर बैठ चुका है, बट ये उसका स्तर बहुत नीचे रहता है नॉर्मल टाइम पे। और यार देखिए पानी की बहाव की आवाज़। इसकी आवाज़ को फील कर सकते हैं। ये देखिए मेरे बालों को क्या हो चुका है। हवा बहुत ही तेज़ चल रही है और इन बालों की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। सो नो वरीज, विल ट्राई टू फिगर इट आउट। आप देखिए नज़ारा, आपको यहाँ दूर पे पुल दिख रहा होगा एक। अभी जब बाढ़ आती है तो इस पुल पे पानी बहुत ही ऊपर तक चला जाता है और ऐसी आशंका जताई जाती है कि ये पुल पे से पानी पार कर जाएगा, बट उसी कारण से ये कुछ जल को मैनेज करते हैं और
जल का प्रभाव किसी और की तरफ मोड़ देते हैं, जिससे कि ये पुल के ऊपर पानी नहीं जाता है। अगर पुल के ऊपर पानी जाता है तो ये कनेक्टिविटी जो शहर से गांव की है वो बंद हो जाती है, जिस कारण से जो गरीब लोग हैं वो अपने फलों को बेच नहीं पाएंगे, सब्जियों को बेच नहीं पाएंगे, तो खाएंगे क्या। ठीक है, तो अभी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। ये देखिए सुकून और नेचर की खूबसूरती, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने ब्लॉग्स में नेचर से रिलेटेड खूबसूरत चीज़ों को दिखाता रहूँगा, और दिस इज़ कॉल्ड शांति प्लस सुकून। ये आप देखिए हवाएं, एंजॉय द मोमेंट। और ये रास्ता, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्या आप इस रास्ते को ड्राइव करना चाहेंगे, ये इसका अलग ही आनंद आता है, अलग ही फील फील।